इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है कि मान लो एक सिलेंड्रिकल रीजन है, ये एक सिलेंडर है और ये ना आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है अंदर की तरफ है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है ऐसे, डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है और के कुछ भी के ले लिया मैंने। मेरा क्वेश्चन है इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा हुआ, वो क्यों पैदा हुआ, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा आसपास, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो बी पैदा होता है, जब करंट पास करते हैं वायर में तो बी पैदा होता है, ऐसे ही अगर बी चेंज होगा तो ई भी पैदा होगा, कितना होगा ये क्वेश्चन है। तो आप एक काम करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने जहां आपको ई निकालना है वहां आप एक क्लोज्ड पाथ ले लें, एक क्लोज्ड पाथ ले लें, एम्पियर सर्किट लॉ की तरह चलता है ये। इस क्लोज्ड पाथ में एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो प्रॉपर्टी है इसकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस डी फाई बाई डी टी, यही फॉर्मूला किया था हमने। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इस क्लोज्ड पाथ में ई इंटू टू पाई आर, ई डॉट डी एल क्या होगा, ई इंटू टू पाई स्मॉल आर ऐसे ही होगा, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी में चलो मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं यहां पे, तो डी फाई बाई डी टी में यहां पर क्या आएगा, बी इंटू एरिया आएगा, तो ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू एरिया बाहर आ गया, क्या बचा डी बी बाई डी टी, राइट। अब मैं यहां पे E इंटू टू पाई स्मॉल r एरिया क्या लूं, एरिया लेना है जहां फील्ड चेंज हो रहा है, अब फील्ड पाई स्मॉल r स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा, फील्ड सिर्फ पाई इंटू कैपिटल r स्क्वायर में चेंज हो रहा है, तो आपने क्या लेना है, पाई इंटू कैपिटल r स्क्वायर, और dv बाई dt तो k है, क्लियर है यहां तक। तो यहां से E का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई से पाई कांस्टेंट, K इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, स्मॉल R, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इसमें, क्लियर है यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हुआ समझ में आ रहा है, कैसे करना है इसका, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। अब मैंने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया, मेरा क्वेश्चन है कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी नहीं है बाहर, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकालनी है वो कहाँ निकालनी है, सिलेंडर के अंदर निकालनी है, इनसाइड निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, स्मॉल r, फिर से क्लोज पाथ ले लो इसमें, फिर से क्लोज पाथ लेंगे तो क्या आएगा, e इंटू टू पाई आर इज डी फाइव बाई डी टी में एरिया बाहर और बी अंदर ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या है, के। अब कोई मुझे बताएगा कि इसमें एरिया क्या लेंगे, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अब मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ अंदर के गॉस थ्योरम की तरह सिर्फ इसके अंदर चल रहा है, तो मैं यहाँ पर पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर लूँगा, आर से आर कैंसल, तो ई की वैल्यू आ गई, पाई से पाई कैंसल, आर के बाई टू, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है समझ में आ रहा है, गॉस थ्योरम की तरह फीलिंग आ रही है या एम्पियर सर्किट लॉ की तरह सेम। तो इसका मतलब अगर आप सिलेंडर के अंदर हैं, ठीक इनसाइड हैं, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, और अगर आप बाहर हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। तो समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे है, कैसे रूल लगाना है इसमें। तो अब अगर आप अपने इस क्वेश्चन को देखें, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, यही तो क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन है, डी बी बाई डी टी के की जगह अल्फा कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, आपको ये बताना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगा और जो बाहर पैदा होगा उसका ग्राफ क्या बनेगा। अभी अभी मैंने बताया ये ग्राफ बनेगा, इसका प्रूफ भी मैंने दिखा दिया, कैसे समझ में आ रहा है ये ग्राफ कैसे बना, इसमें इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आ रहा है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आ रहा है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे करना है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये गिवन है कि इन अ रीजन ऑफ स्पेस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजन विद मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और टी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज क्यू प्लेस्ड एट आर वेयर आर इज ग्रेटर देन ए इज व्हाट। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है, इसके अंदर बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, गिवन है, इसका रेडियस ए है। आपको आर डिस्टेंस पे वो कह रहे हैं एक चार्ज पड़ा हुआ है स्मॉल क्यू। आप बस मुझे ये बताएं कि जब मैं बी चेंज करूंगा इसमें फोर्स क्या लगेगी। जब मैं बी चेंज करूंगा तो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगी, क्यू ही। तो बेसिकली तो मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, सर्कल बना लें, ई इंटू टू पाई आर इज डी फाई बाई डी टी। अब एरिया क्या लेंगे, डी वी बाई डी टी तो अलग है क्योंकि बी इसमें चेंज हो रहा है टाइम के साथ। एरिया क्या लेंगे, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ पाई ए स्क्वायर एरिया में चेंज हो रहा है, पाई आर स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा। और बी की जगह बी नॉट इंटू टी मैग्नीट्यूड, बी नॉट बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी वन सॉल्व करके ई आ गया, ई आ गया तो एफ की वैल्यू आ गई क्यू इंटू ई, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। इसमें हर टाइप की प्रॉब्लम एक जैसी प्रॉब्लम है, गॉस थ्योरम की तरह ही चलता जा रहा है। गॉस थ्योरम के बेस पे एम्पियर सर्किट लॉ चल पड़ा, उसके बेस पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल पड़ा, सेम है फील्ड का बिहेवियर, इसका मतलब सेम ही है, सारे फील्ड एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंड्रिकल रीजन में चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है, बी इक्वल टू अल्फा टी, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है इस रॉड के क्रॉस, पी और क्यू के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इसकी टेक्निक समझ लो, इसकी टेक्निक है पी और क्यू को ज्वाइन कर लो। तो आप पी और क्यू को ज्वाइन कर लो, तो इस सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे, ये आर है, ये आर है, तो रूट टू आर है, ये भी रूट टू आर है। तो जब आप ज्वाइन करोगे और मिलाओगे तो एक सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से, जिसका रेडियस क्या होगा, रूट टू आर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं, तो मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इसके क्रॉस क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई इंटू टू पाई इंटू रूट टू आर, क्योंकि रूट टू आर का सर्कल बनने वाला है जिस पे पी और क्यू पॉइंट लाई करते हैं, इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पे एरिया की जगह, और बी की वैल्यू आपको अल्फा टी गिवन है, सॉल्व करके आपके पास ई आ गया, ई आ गया। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ई क्या है, डी वी बाई डी आर या डी वी बाई डी एल, तो डी वी क्या आ गया, ई डी एल। डी एल का मतलब ये जो स्मॉल लेंथ है वो डी एल है, इसका स्मॉल एलिमेंट डी एल है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्यू और पी के बीच में निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, और जब इंटीग्रेशन में डी एल पुट करेंगे तो ये लंबाई आएगी, नॉन कंजर्वेटिव है, ये लेंथ पे डिपेंड करेगी ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। और ये लेंथ कितनी है, अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊं, इस आर्क ने एंगल सेंटर पे 90 डिग्री बना रखा है, 90 डिग्री, तो ये लेंथ क्या आएगी, 2 पाई आर बाय 2 पाई टोटल सर्कमफ्रेंस बाय 4। डी एल का इंटीग्रेशन समझ में आया कैसे, क्योंकि टोटल जो सर्कल बनेगा वो तो इतना बड़ा बनेगा, पर आपको तो बस ये लेंथ लेनी है डी एल की इंटीग्रेशन। तो ये लेंथ 90 डिग्री के हिसाब से क्या बनेगी, 1/4 ऑफ 2 पाई इंटू सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ से सॉल्व करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मार्क करनी है। तो मतलब करना क्या है, सबसे पहले पी और क्यू को ज्वाइन कर लेना है, ये लेंथ निकाल लेनी है, ये लेंथ आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आपको ये लेंथ पता लगेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई डॉट डी एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, ई आ गया। फिर ई को यहाँ पुट करना है,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह टोटल सर्कमफ्रेंस को 4 से डिवाइड करके आंसर आएगा। तो ये एक स्टाइल है, इस टाइप की क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही है वैसे, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। एक वो प्रॉब्लम देख लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, इस प्रॉब्लम को करो। ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रॉब्लम है, 5-6 प्रॉब्लम्स। प्रोबेबिलिटी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की आने की बहुत कम है, जेई मेन्स के अंदर हार्डली शायद एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मुश्किल है, आना मुश्किल है। नीट में भी कोई मतलब बहुत ही किस्मत खराब होगी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नहीं तो आता नहीं है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। तो हम एक एक्सेप्शनल टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, ये रेगुलर आने वाला टॉपिक नहीं है, तो आप ये घबराएं ना कि मैं आज से कसम खाता हूँ कि ईएमआई छोड़ रहा हूँ। क्यों जी? क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को समझ में नहीं आया। तुम नहीं भी किया होगा तब भी कोई फर्क ना पड़ेगा, 0.1% चांस है आपको ये क्वेश्चन आने का, 0.1% चांस। ठीक, देखो हमें तो इसलिए करवाना है, कोई हमें ये ना कह दे कि सर ने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया नहीं, हमारा कॉलेज रह गया। देखो ये तो नहीं हो सकता ना यार, क्लास में तो डिस्कशन जरूरी है हर चीज़ की, वो आए ना आए वो बात अलग है। कोई लेक्चर बहुत हाई पोटेंशियल भी होता है और कोई बहुत लो पोटेंशियल भी होता है, तो ये बहुत हाई पोटेंशियल लेक्चर नहीं है। मतलब ठीक है हम सीख रहे हैं, बट एक इमरजेंसी सिचुएशन को बचाने के लिए कि फंसी ना जाए बस। हाँ ये बात पक्की है, एडवांस की प्रॉब्लम है, दोनों इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एडवांस में आता है, तो मैंने इसलिए करवाया कि अगर एडवांस में आता है तो कहीं ना कहीं मेंस का बंदा पढ़ के उसको कहीं डाली ना दे, इसलिए 3-4 प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये एडवांस की बुक से लिया है, ठीक है। बट नॉर्मली ट्रेंड देखा गया है कि वहीं से क्वेश्चन बन बन के आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा करवा लेना चाहिए। देख लो वो क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है कि आपके पास ना एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, चलो ये रिंग है नॉन कंडक्टिंग है, इसके ऊपर ना क्यू चार्ज है, चार्ज है क्यू। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ डी वी बाई डी टी रेट से, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो क्यू इन टू ई फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो ये रिंग घूमना स्टार्ट कर देगी, इसमें टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन है टॉर्क निकाल लो क्या होगा, तो पहले E तो निकाल लें, फिर F इज इक्वल टू क्यू ई से फोर्स तो निकाल लें, फिर R इंटू एफ से टॉर्क निकलाएगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, अगर एक रिंग है तो रिंग का रेडियस स्मॉल आर है, रिंग के सर्कमफ्रेंस के ऊपर E कैसे निकलेगा, E इंटू 2πr, पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, πr² इंटू dv बाई dt। तो यहाँ से सॉल्व करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फिर Q चार्ज को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ गई, फिर टॉर्क आ गया आर इंटू एफ करके टॉर्क की वैल्यू आ गई, मार्क कर लेना आंसर ऐसे। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, क्यू से एफ निकलेगा, एफ से टॉर्क निकलेगा, टॉर्क से आंसर आएगा, ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, फिर से रिंग है, फिर से इसके ऊपर चार्ज है, फिर से टॉर्क जनरेट होगा। प्रॉब्लम ये है, ये सेम क्वेश्चन है, dv बाई dt भी गिवन है इसमें, kt और k की वैल्यू इसमें 1 है। क्वेश्चन है कि जब ये इसमें टॉर्क जनरेट होगा ये जल्दी जल्दी मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं है पर यहाँ पे फ्रिक्शन है, कितने समय में ये घूमना शुरू करेगा ये बताएं। अगर फ्रिक्शन ना होती तो इमीडिएटली घूमता, फ्रिक्शन के साथ थोड़ा समय लेगा। अब क्या होगा इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा E इंटू 2πr, सेम जो भी किया था πr² इंटू dv बाई dt। B का फॉर्मूला आपको, B की वैल्यू इसमें गिवन है kt जो भी है, या आप पुट कर लेना kt, तो kt की इंटीग्रेशन k बाहर आ गया, k की वैल्यू वैसे 1 है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉर्क जनरेट हो जाएगा,
क्योंकि फोर्स क्या होगी, क्यू इन टू ई, क्यू इन टू ई को आर से मल्टीप्लाई करके टॉर्क आएगा, ये टॉर्क जनरेट क्या, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक टॉर्क जनरेट कौन करेगा, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टू आर क्या होगा, टॉर्क। तो एक टॉर्क फ्रिक्शन जनरेट करेगा, एक टॉर्क इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो टाइम आ जाएगा आंसर, आने का चांस कम है, एडवांस की प्रॉब्लम है, बट मुझे पता नहीं, मतलब मैं बोलता रहता हूँ आने का चांस है कि नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं यार क्या आएगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, तो वहीं से आपको आइडिया होगा क्या आएगा, जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल है, तो बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी शीट ऐसी नहीं है, सिर्फ यही शीट ऐसी थी, तो जो नेक्स्ट शीट है इसे एक मिनट ओपन करें प्लीज़। शीट नंबर 50 नहीं, शीट नंबर 50 नहीं, इससे पहले कौन सी, 49, शीट नंबर 49 नहीं, 49 भी नहीं, कौन सी कर रहे थे अभी हम, अच्छा 43 पे ही अभी हम, बड़ी पीछे हैं यार अभी तो, फिर ठीक तो 43, ठीक है 43 का लंबा क्वेश्चन है यार, बाद में करेंगे, छोटा करते हैं, ये करते हैं पहले 2, कुछ तो समझ में आई बात, ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। देखो ये तो हो जाएगा, ऑप्शन देख के आंसर मार्क करना, ऐसे मत करना, देखो क्वेश्चन है, एक वायर है ए बी जिसकी लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर है, स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ पेयर ऑफ रेल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टुवर्ड्स राइट। तो ठीक है, मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी, बीएलवी समझ में आता है, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर एक सोर्स भी है जो करंट सेंड कर रहा है इसे, और इसकी रेजिस्टेंस आर है रॉड की, तो ईएमएफ नेट क्या डेवलप होगी, अगर सोर्स ना होता, रेजिस्टेंस ना होती, तो ईएमएफ तो बीएलवी थी, बात खत्म, पर I into R का पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इसमें से माइनस होगा, तो BLV में से IR माइनस कर दो। देखो IR को तो एडजस्ट करना पड़ेगा BLV में, और वो प्लस तो कभी होगा नहीं, ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप है तो माइनस ही होगा, तो इसका आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हाँ यही है, देखो जरा क्या क्वेश्चन है, में आपको ये तीन रॉड्स गिवन है, एक ए, ये तीन रॉड्स हैं, तीन रॉड्स को इकट्ठे मूव करवा रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है हर रॉड की, तो अगर ये लेंथ एल है और ये 90 डिग्री है, तो एल बाय रूट टू हो जाएगी लेंथ, ज्योमेट्री से निकाल लेना लेंथ, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी लैम्डा एल, इसकी क्या हो जाएगी लैम्डा इंटू एल बाय रूट टू, इसकी क्या हो जाएगी लैम्डा इंटू एल बाय रूट टू, नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, तीनों वायर की जगह एक वायर लगा लो, ये दोनों किस में सीरीज में और इसके साथ किस में पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस आ गई। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है बीएलवी, मोशनल ईएमएफ बीएलवी से नेट रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया तो करंट आ गया, करंट आ गया, वो कह रहे कि जब आप इसे खींच रहे हैं और इसमें करंट आ गया
तो ये रॉड फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगी, बी आई एल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपको बी आई एल बताना है, तो आपको करंट आपने निकाल लिया, पुट करके फोर्स की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। तो बेसिकली पहले आपने नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, फिर आपने नेट करंट निकाल लिया, फिर एफ इज इक्वल टू बी आई एल में आई की वैल्यू को पुट करके नेट फोर्स की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा रही है। ये कर लो, मैं और लंबे क्वेश्चन कराने के मूड में नहीं हूँ अभी, बस बहुत हो गया यार, इतना हैवी लेक्चर बहुत है, इतने रिटेन नहीं होना, अब छोटे छोटे बेसिक बेसिक कर लेते हैं। ये तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो एनसीईआरटी के स्कूल के पेपर में भी आनी है। तो इसमें स्मॉल मैग्नेट है एम, और इसको हम नीचे गिर रहे हैं रिंग में, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलेरेशन मैग्नेट का कैसे चेंज होगा ये बताओ। देखो जब ये नीचे गिरेगा तो इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, मैग्नेट को अपोजिशन मिलेगी, तो मैग्नेट फ्री फॉल नहीं कर पाएगा, तो आंसर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम हो जाएगा आंसर। तो जब ये कॉइल के पास आ रही होगी मैग्नेट, तो आंसर जी से लेस होगी, और जब ये पूरी तरह मैग्नेट कॉइल के बीच में होगी, तो बीच में फंस गई मैग्नेट, तो ना तो लूप ऊपर खींच पाएगा ना नीचे, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली जी हो जाएगी कुछ स्मॉल इंस्टेंट के लिए। फिर मैग्नेट नीचे निकल गया, फिर इंड्यूस करंट पैदा हो गया जो मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा, फिर कुछ देर के लिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम एक्सेलेरेशन होगी। तो इसलिए दो आंसर है कि जब ये पास आ रहा है तो भी लेस देन जी है, और जब ये बिलो नीचे चला गया तो भी लेस देन जी है, क्योंकि अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, मैग्नेट जब दूर जा रहा होगा कॉइल उसे अपनी तरफ खींचेगी। तो दो आंसर्स हैं। एट्थ में तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ए गिवन है, एल्यूमिनियम रिंग बी फेसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ए। अच्छा यहाँ रिंग भी है, एक रिंग पड़ी हुई है बी और ये ए है। करंट आई कैन बी ऑल्टर्ड, इसमें किया हुआ लेंस लॉ, इसमें करंट बढ़ाएंगे तो इस लूप का फ्लक्स बढ़ेगा, ये दूर भाग जाएगी, घटाएंगे इसका फ्लक्स कम होगा, ये पास आ जाएगी अपने फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। दोनों आंसर्स हैं। तो करंट बढ़ाने से ये दूर भागेगी, करंट कम करने से ये पास आ जाएगी, आंसर।